हो गया शुरू। अच्छा सारे भाई, ये ना भाई मेरी, राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ गोहाना में। हाँ भाई, बड़ौदा का इलेक्शन है और आज कार्यक्रम था रैली का, धन्यवाद किसान रैली, कुछ इस टाइप से प्रोग्राम था। असल में इस टाइप के कार्यक्रम में मैं कम जाऊँ हूँ। जब किसान विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो बिल खातर ओढ़े भी कम गया था, याड़ा था याड़े भी को नहीं गया भाई। मैं तो मामला बराबर सा रखना पड़ा, नहीं दूसरी पार्टी नाराज़ हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे सीनियर बहुत सारे बैठे हैं, इनसे हम बात करांगे भाई। आज ओढ़े का प्रोग्राम के साथ था और के कुछ बातचीत थी। राम राम जी। राम राम जी। सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी। अच्छा, जो आज का यो धन्यवाद रैली आपने कर रखी थी, क्या मामला था जी? ये धन्यवाद रैली किसानों ने कर रखी थी, बड़ौदा हल्के के गोहाना के किसान आए थे, उन्होंने धन्यवाद किया था। ये धन्यवाद क्यों करा भाई, हमने इतने दिन आंदोलन करा, रहा रोके आंदोलन जिन्होंने करा सबको पता है, सारी जनता जानती है, किसान भी जानते हैं। आंदोलन किन्होंने किया, जिन्होंने अपने राजनीतिक हित साधने उन्होंने आंदोलन किया। किसान को पता है कौन उनके फेवर में है, कौन उनके खिलाफ है, तो किसान धन्यवाद करने आया है यहाँ पे। तो मतलब अब किसान भी मेरे ख्याल से बट गए हैं भाई, कुछ किसान भाजपा के हो गए, कुछ किसान कांग्रेस के हो गए, या इनेलो के, इस तरीके से किसान तो नहीं बटे। जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो अपने जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भड़का के करते हैं। जब किसान को पता चलेगा आगे, उनको भी पता चलेगा भाई ये आपके फायदे का है, तो वो भी साथ आएंगे हमारे किसान। अच्छा, तो सच बताओ आज का प्रोग्राम में कितने लोग आए हुए थे? आज के प्रोग्राम सच बताइए, नहीं कल नहीं तो अखबारों में छपलेगी बात। अखबारों में छपलेगी, अखबारों में आज हजारों ट्रैक्टर आए हुए थे और ट्रैक्टरों के ऊपर आदमी भी थे, कई हजार लोग आए हुए थे। कितने होंगे सर? कई हजार लोग होंगे भाई, पाँच एक हजार, पाँच हजार से ज्यादा ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे, आदमी तो ज्यादा होंगे, ट्रैक्टर कम होंगे, पाँच दस एक हजार होंगे, दस एक हजार आराम से होंगे जी। तो ये दस एक हजार कहाँ कहाँ से बुलाए थे आप? ये कई उस्तार थे, जैसे बड़ौदा से जी, हमने बुलाया नहीं गया, इनको बुलाया तो गया होगा, मैसेज तो दिया ही होगा मैसेज। ये किसानों ने खुद ही धन्यवाद रैली सरकार का, मोदी सरकार का धन्यवाद करने के लिए किसानों ने खुद रैली आयोजित की है। ये बीजेपी की आयोजित रैली नहीं है, ये किसानों द्वारा आयोजित रैली है मोदी सरकार जी का धन्यवाद करने के लिए। लेकिन यार जितने भी मैंने अभी जितने भी ट्रैक्टर देखे सब भाजपा का झंडा था। वो भाजपा का झंडा इसलिए था क्योंकि वो भाजपा से खुश हो चुके हैं। जो भाजपा ने अध्यादेश, ये तीन अध्यादेश उनके समर्थन में पास किए हैं, उससे वो बिल्कुल खुश हो चुके हैं सरकार से, और वो सरकार का धन्यवाद करने आए थे, और इसलिए उन्होंने भाजपा का झंडा उठाया, क्योंकि किसानों का कोई भला कर सकता था सिर्फ भाजपा और नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं। क्या बात है। अच्छा मतलब पाँच सात दस हजार लोग थे, दस हजार से प्लस ही मान लेंगे जी, पक्की बात है। हाँ जी, देखो भाई मैंने तो रैली देखी नहीं है क्योंकि अभी मैं तो घोड़ा में एंट्री करी थी, यहाँ पे खड़े थे और रैली खत्म हो चुकी थी तब तक। तो अगर आठ से दस हजार के बीच में लोग थे तो उस हिसाब से तो यूँ लगा है कि ये जो किसान का जो बिल बना है ये बढ़िया था। अगर ये रैली फ्लोप है, मान लो तीन चार हजार अगर आदमी होंगे, तो कहीं ना कहीं यूँ लगा भी किसानों के खिलाफ था। ये भी आप बात दोनों ही बातों में सोची जा सकती है भाई साहब। संख्या के आधार पर आप किसी भी रैली को सफल या असफल बता सकते हैं, लेकिन जो अध्यादेश लागू होता है वो कभी भी रैली में उपस्थित लोगों की संख्या पर आधारित नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं कोई पार्टी से संबंध रखता हूँ तो हो सकता है मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हों, कोई अच्छा कानून लागू हुआ उसका विरोध करने के लिए मैं उनको बुला लूँ, तो संख्या कोई भी एकत्रित कर सकता है। लेकिन जो मैसेज है, जो रैली में आज मैसेज गया है, वो लोगों तक पहुंचा है। वहां पर आप जैसे भाई मीडिया वाले भी थे, सभी टीवी चैनल वाले थे, उसके माध्यम से ये रैली सब तक पहुंची है। और जो आप कह रहे हैं कि इस पे ये चिन्ह लगा हुआ था, चिन्ह तो प्रतीक होते हैं, लोग समर्थन करते हैं, लोग किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, किस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ये उस चीज़ का प्रतीक है। अब लोग खुश हैं, ये अध्यादेश लागू हुआ है। भारत में अभी राजनीतिक गिद्ध वाली राजनीति चल रही है, राजनीतिक गिद्ध, ये एक नया शब्द है। ये गिद्ध पना तो पुराना लेकिन शब्द नया है, ये इंदिरा गांधी के समय से चलता आया है, इंदिरा गांधी ने भी प्रयोग किया था इसका, अब भी प्रयोग हो रहा है। जहाँ पर भी भावनात्मक, पहले महिलाओं का भावनात्मक रूप से मुद्दा बनाया जाता था, अब किसानों का भावनात्मक रूप से मुद्दा बनाया जाता है। किसान क्योंकि कमजोर स्थिति में है, ये मानने की बात है, हाँ किस कमजोर स्थिति में है, तो उस स्थिति को भुनाने के लिए विपक्ष सदा तैयार रहता है, गिद्ध की तरह। वो एक किसान कमजोर है, वो उसकी लाश को भी नोच के खा जाएगा। वो उस स्थिति में इस राजनीति को हम गिद्ध राजनीति बोलते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपना फायदा नजर आता है। उसके अलावा जब इनकी सरकार थी 2004 से 2014 तक,
तब इन लोगों ने किसानों के लिए कार्य क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब जब ये कानून लागू हो रहे हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, तब इनको लगता है कि नहीं भाई गलत हो गया। ये गलत नहीं हुआ है, ये इनकी जो दुकान है वो बंद हो गई है, क्योंकि जैसे ही किसान को इनके फायदों पता चलेगा, देखिए किसी भी चीज़ के फायदे और नुकसान एक साल में नहीं पता चलते, एक दो तीन चार साल जब लगेंगे तो चुनाव आएगा, चुनाव तक किसानों को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो इनकी वोटों की संख्या गिर जाएगी। तो इस स्थिति में इनके लिए क्या किया जाए? पहले ही राहुल गांधी फ्लॉप हो चुके हैं, प्रियंका गांधी फ्लॉप हो चुकी है, अब उनको लॉन्च करने के लिए बार बार नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब हरियाणा में ये मुद्दा दिखा, कहीं और ये मुद्दा नहीं दिख रहा। पंजाब में इनकी अपनी सरकार, अपने समर्थक हैं, तो यहाँ कुछ भी कर रहे हैं। कल की रैली में ये वहाँ पर ट्रैक्टर लेकर निकले, तो ट्रैक्टर लेने के बाद उस ट्रैक्टर की सीट पर ये कब्जा होने की कोशिश थी कि अगला हमारी तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, उसमें भी काफ़ी सवाल पैदा हो रहे हैं। ट्रैक्टर पर बैठेगा कौन? हाँ, ट्रैक्टर बैठेगा कौन का मतलब है कि अगली बारी कांग्रेस की तरफ से सीट पे बैठेगा कौन, दावेदार कौन होगा, किसकी चलेगी? राहुल गांधी जी को मैं बिठा के लाया यार। हाँ, राहुल गांधी जी को मैं बिठा के लाया। राहुल गांधी जी को तो देश की जनता ने ही उतार दिया है, आप किसको बिठाने में लगे हुए हो? उन लोगों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ता की है, ये सभी लोग देख चुके हैं, हर मुद्दे पर, हर बात पर, हर विषय पर, यहाँ तक कि ट्रैक्टर फूकने पर, ट्रैक्टर में बैठने पर। तो उनका उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सत्ता के लिए वो महिलाओं के मुद्दे उठाएंगे। किन महिलाओं के? जिनके लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। वे दलित का मुद्दा उठाएंगे, किन दलितों के? जिनके लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। किसानों का मुद्दा उठाएंगे, 60 साल से सत्ता में थे तब वो कानून लागू कर सकते थे, तब वो 5,000 रुपये प्रति क्विंटल चावल कर सकते थे, तब वो 4,000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ कर सकते थे, लेकिन क्या वो समझते हैं अर्थशास्त्र को और राजनीति को? उनके पास मनमोहन सिंह जैसे लीडर थे जिनको वो इतना अच्छा अर्थशास्त्री बोलते हैं, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? 1992-93 में जो अर्थव्यवस्था में मंदी आई थी, उस समय पर भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा के गिर गई थी, तो क्या उस समय पर किसानों के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे? किसानों का जो जैसे कपास उगाता है किसान, उसके कपड़े उसके उसी कपास से यहाँ पर लघु उद्योग क्यों नहीं स्थापित करवाए गए? हम जैसे लोग क्यों लिवाइस, नाइक और रिबोक के कपड़े या जूते खरीदते हैं? हम क्यों इन किसानों के, अपने किसानों के कपड़े और जो भी चीज़ें हैं उनको क्यों नहीं खरीदते? तो ये नीतियाँ किन के द्वारा लागू की गई थी? ये कांग्रेस के द्वारा लागू की गई नीतियाँ थी, और आज वही लोग यहाँ पर किसानों के हितैषी बने हुए हैं। किसानों का असली हितैषी केवल और केवल इस समय, मैं ये बिल्कुल घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये फैक्ट के आधार पर कह रहा हूँ, पिछले 70 साल की जो राजनीति रही है, ये जो 3 कानून आए हैं, ये स्वतंत्रता के कानून है। पहले मैं अपनी फसल नहीं बेच सकता था, आज मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक छोटा सा मील लगा लूँ, छोटा सा लघु उद्योग लगा लूँ, अपने चावल निकालूँ, अपना बेसन बनाऊँ, अपना आटा पैक करूँ और मार्केट में भेजूँ। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो पा रहा है। अन्य सरकारों में तो यही डर लगता था, क्या मैं एक उद्योग स्थापित कर पाऊँगा? मुझे कहाँ कहाँ जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे कितने ब्यूरोक्रेट्स के बीच से गुजरना पड़ेगा, मुझे कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी? आज ऑनलाइन काम करो, ऑनलाइन मंजूरी लो, ऑनलाइन परमिशन लेके अपना काम धड़ल्ले से शुरू करो। यही तो किसान के भले की बात है, लेकिन किसानों को भड़काया जा रहा है, क्योंकि किसान आज गरीब अवस्था में है। वो गरीब अवस्था पिछले 60 साल की वजह से है, अभी उभरा है। अभी आप देखिए किसानों को 6,000 रुपए देने का काम किस आदमी ने किया? नरेंद्र मोदी ने। उसको अपने साथ लेके क्या जाना? कुछ भी लेके नहीं जाना, बल्कि वो तो दे रहा है, एक ऐसी नीति दे रहा है। किसानों का भला नीति से होता है, किसी पैसे देने से उनका भला नहीं होगा। मैं खेती पक्का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, फिर जी। तो अभी मैं खुद हमारी फसल की वहाँ पड़ी हुई थी मार्केट में, तो मैंने अपने पिता को कहा कि क्यों ना हम भी अपना कारोबार शुरू करें। अब अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, खुली मार्केट है, पूरे भारत में हम कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सभी किसानों के लिए, वो अपना कुछ भी सोच सकते हैं, वो अपने किसी भी व्यापारिक रूप से खुद को सुदृढ़ कर सकते हैं। अब उसको ना बिचौलिए की जरूरत, ना उसको मंडी की जरूरत। अगर आज के समय भी, एंड्रॉइड के समय में भी, अगर लैपटॉप के समय में भी उनको किसी अन्य के विचारों की जरूरत है, तो ये तो देखो फिर भला कोई नहीं कर सकता। आज आदमी रिसर्च करे, खुद पढ़े, समझे, किसी पार्टी की बात पे यकीन ना करे, ना या बीजेपी पे यकीन करे, ना कांग्रेस पे यकीन करे, प्रैक्टिकल करे, और इसी बेस पर वो पता कर सकता है। लेकिन ये जो गिद्ध राजनीति, ये जो ट्रैक्टर की लड़ाई वाले लोग हैं, ये कभी सफल नहीं हो सकते, कभी भी। वाह जी वाह, भाई ने इतना कुछ बोल दिया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा और सही बात बोली इसने। राम राम जी। राम राम। अच्छा, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बढ़िया रहा है। कितने आदमी आ रहे थे? होंगे 10,000 आदमी। कदे कल अखबार में आवा भाई 2500 आदमी थे ना, अखबार के 2500 भी थे, 10,000 आदमी थे। अच्छा हाँ। तो कैसी हुआ, क्या कुछ वहाँ पे भाषण हुआ, क्या कुछ समझ में आई, बात के लगा? भाषण तो ये 3 अध्यादेश के बारे में था, 3 कानून बन गए। कानून बन गए तो
धनखड़ साहब का खुश थे वो प्रोग्राम? हाँ, प्रोग्राम बढ़िया भाई, आपने अच्छे लोग इकट्ठे कर। हाँ बिल्कुल बढ़िया प्रोग्राम, बढ़िया प्रोग्राम, बढ़िया प्रोग्राम। अपना क्या कुछ कहना भाई जी? भाई साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लग गया, कांग्रेस सरकार ट्रैक्टर ने लेकर चंडीगढ़ पहुंच जाए, उसी ट्रैक्टर ने लेकर दिल्ली पहुंच जाए, एक ट्रैक्टर की उसकी धोनी कर दी, गति ब्रांड माटी कर रखी, और लोग समझ चुके हैं भाई कांग्रेस वालों राम से बैठ जो जो करवाई पहाड़िया पे पहाड़ दिखे ना भाई साहब, समंदर में समंदर दिखे, ऐसे ही कांग्रेस बहुत दूर है दिखाई नहीं दे रही। जय श्री राम, जय किसान। हाँ भाई देखो, ये हास्यप्रद बात जरूर दिया, वो ट्रैक्टर उड़े चला दिया, उसने उठा कर ले गया, फिर उड़े ट्रैक्टर आड़े प्रोग्राम कर दिया। एक बात एक व्यक्ति ने मेरे से जरूर कही थी कि भाई एक अगर कमजोर किसान है अपना 5 लाख का ट्रैक्टर क्यों कजरान की मत रखेगा, समझने की बात थी या भीतर में बैठने की बात थी? तो भाई यह बात भी समझो। चलो खैर, मैं तो सब कहते हूँ भाई साहब, क्या कुछ कहना है आज का प्रोग्राम देख के? बहुत बढ़िया प्रोग्राम था आज, दिल खुश हो गया। हाँ सबका दिल। अच्छा, बड़ौदा में इस आपके कार्यक्रम का कांग्रेस या जो किसान विरोधी आंदोलन था उसको लेके क्या कुछ कहना है? बड़ौदा में जो, अच्छा कोई बात नहीं, बड़ौदा में जो आप कहना जो मुझसे पूछ रहे हो किसान विरोधी आंदोलन, बड़ौदा में ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं था कि कोई किसान विरोधी था। किसान विरोधी थे तो सिर्फ वो कांग्रेसी थे और कोई नहीं था, वो सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित एक ढकोसला था, एक ढोंग था सरकार को बदनाम करने के लिए, इससे अधिक कुछ नहीं था।